हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे स्टैक एग्जांपल्स इन 86 असेंबली लैंग्वेज। स्टैक की कई एप्लीकेशंस हैं। एक एप्लीकेशन है स्टोर एंड रिस्टोर रजिस्टर्स। हम स्टैक के थ्रू वैल्यूज जो हैं स्टोर भी कर सकते हैं, और उसके बाद अगर कोई डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई है या एथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन चली है तो वो रजिस्टर्स में या वैल्यू जो भी थी वो लॉस्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो उनको हम रिस्टोर भी कर सकते हैं यूजिंग स्टैक। इसी तरह हम रिवर्स भी कर सकते हैं इनपुट भी यूजिंग स्टैक, और इसके अलावा कई और एप्लीकेशन हैं स्टैक की। स्टोर एंड रिस्टोर रजिस्टर करना हो हमने डॉट मॉडल स्मॉल डेटा सेगमेंट में, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की हुई है हेलो वर्ल्ड। कोड सेगमेंट में मैंने सेगमेंट रजिस्टर सेट करने के बाद AX रजिस्टर में एक वैल्यू मूव किया 44H, तो AX में मूव हो गया 0044, और DX रजिस्टर में मैंने वैल्यू मूव किया 55, तो यहाँ पे DX में क्या स्टोर होगा 0055। अब स्टैक में हमें लास्ट हमने वीडियो में देखा था कि स्टैक कैसे काम करता है, और स्टैक पॉइंटर जो है पॉइंट कर रहा होता है 0100 एड्रेस पे, और ये जो हमारे पास वैल्यू हमने मूव की है एएक्स और डीएक्स में, एएच में देखें तो ये वैल्यू 00 पड़ी हुई, और एएल में 44, इसी तरह यहाँ पे डीएच में ये वैल्यू पड़ी है और डीएल में 55 पड़ा हुआ। अब मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुश एएक्स करता हूँ तो क्या होगा कि स्टैक पॉइंटर पहले डिक्रीमेंट होगा और यहाँ पे इस ऑफसेट एड्रेस पे जाके एएक्स की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर यहाँ पे मैंने पुश dx किया तो पहले स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा, 00fc एड्रेस पे जाएगा और यहाँ पे क्या पुश हो जाएगा, dx की वैल्यू स्टैक पे पुश हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे मूव es09h किया, मैं ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा रहा हूँ हेलो वर्ल्ड की, उसके लिए मैंने यहाँ पे सब रूटीन कॉल की 09h। अब ये ah में जो वैल्यू थी वो चेंज हो गई, जो यहाँ पे रजिस्टर में वैल्यू हमने स्टोर की हुई थी वो क्या हो गई, उसके हाई में वैल्यू जो थी वो अब यहाँ पे चेंज हो गई। इसी तरह यहाँ पे LEA DX STR होगा तो DX में क्या आ जाएगा, ऑफसेट एड्रेस ऑफ STR स्ट्रिंग, तो यहाँ पे जो DX में वैल्यू पड़ी है ये भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह इंटरप्ट 21H किया तो AL में हमारे पास 8-bit इनपुट आएगी, सॉरी 8-bit इनपुट नहीं, यहाँ पे DOS इंटरप्ट जो एग्जीक्यूट होगा तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब ये रजिस्टर्स में वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले का कोड लिखा हुआ है इसमें पॉप डीएक्स हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे आएगा ये डॉस इंटरप्ट है, तो हम चाह रहे हैं कि ये वैल्यू जो है EX में जो ओरिजिनल स्टार्ट पे थी वही वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टैक को यूज़ करते हुए रजिस्टर में वैल्यू रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉप करते हैं DX, क्योंकि टॉप द स्टैक वैल्यू किसकी पड़ी हुई है, यहाँ पे DX की पड़ी हुई है, तो यहाँ पे मैं पॉप करूँगा और पॉप के आगे वही रजिस्टर लिखूंगा। अब यहाँ पे देखें जिस ऑर्डर में आपने पुश किया है उसके रिवर्स ऑर्डर में आप पॉप करेंगे, यहाँ पे DX में वैल्यू क्या आ जाएगी, 0055। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टैक पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है वो वाली वैल्यू जो है यहाँ पे जो पड़ी है इस ऑफसेट एड्रेस पे वो 0055 है, ये वैल्यू DX में कॉपी हो जाएगी, और उसके बाद स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होके कहाँ आ जाएगा, 00FE पे। इसी तरह यहाँ पे जब पॉप हम EX करेंगे तो सबसे पहले जहाँ स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा था वो ये ऑफसेट एड्रेस था, यहाँ पे ये वैल्यू पड़ी है 0044, ये एएक्स में वैल्यू कॉपी हो जाएगी और स्टैक पॉइंटर कहाँ आ जाएगा, इंक्रीमेंट होके 0100 एड्रेस पे आ जाएगा, इसके बाद प्रोग्राम एंड हो रहा है। हम इस तरह हम देख ये स्टैक को यूज़ करते हुए वैल्यूज जो है स्टैक पे स्टोर कर सकते हैं और उन्हें रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है कि हमने टू नंबर्स को स्वैप करना है यूजिंग स्टैक। डिटेल ये कि राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग एनी थर्ड रजिस्टर वेरिएबल
अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एंड एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन। अब हमने दो नंबर्स को स्वैप करना है। अब इसमें हम यूज कर सकते हैं स्टैक का कॉन्सेप्ट और रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि स्वैप कर सकते हैं टू नंबर्स की वैल्यू को। अब हम ये कोड करते हैं इम्यूलेटर 86 में। हमने लास्ट टाइम वीडियो में ये देखा था प्रोग्राम टेम्पलेट। इसमें यहाँ पे मैं डेटा सेगमेंट में एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहा हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर str2 13 10, एंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ पे मैसेज स्ट्रिंग 3 है, आफ्टर स्वैप वैल्यूज आर। मेन में मैं यहाँ पे सेगमेंट रजिस्टर सेट करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाऊंगा। फर्स्ट स्ट्रिंग डिस्प्ले होने के बाद यूजर से हम इनपुट लेंगे फर्स्ट नंबर में। डिफॉल्ट इनपुट AL रजिस्टर में जाती है, तो मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ BH रजिस्टर में। अब यहाँ पे वैल्यू जो हमने स्टैक पे पुश करनी है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ मूव BL0 और मैं यहाँ पे पुश BX कर रहा हूँ। हम डायरेक्टली जो है AX की वैल्यू भी पुश कर सकते हैं, वो इस तरह कर सकते हैं। देखें जो डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो AL में आ रही है, तो हम यहाँ पे लेकिन AH में यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है 1, जो कि करेक्ट इनपुट की सब रूटीन है। AH में ये वैल्यू पड़ी है और AL में यहाँ पे वैल्यू आएगी 8-bit इनपुट आएगी जो यूजर एंटर करेगा। तो हम चाह रहे हैं अगर पुश BX हम यहाँ पे AX करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या पुश होगी, AX की वैल्यू पुश होगी, लेकिन AX में क्या होगा 01 जो है हाई में पड़ा होगा, और लेट्स सपोज के यूजर ने 8-bit जो इनपुट की है वो उसने 3 की है, यानी कि 33 पड़ा होगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या पुश होगी स्टैक पे 0133। तो इसमें हमारे पास एक्चुअल जो है वो स्टैक पे क्या पुश होनी चाहिए 3 की आस की होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ क्या आ रहा है 01 भी आ रहा है। ये 01 जो है ये सब रूटीन की वजह से आ रहा है। तो पुश करने से पहले हम यहाँ पे करते हैं AH की वैल्यू हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, ताकि यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाए 0 हो जाए और ये 3 की आस की ही स्टैक पे पुश करे। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इमुलेट करके सिंगल स्टेप। ये हमारे पास स्ट्रिंग डिस्प्ले हो गई, उसके बाद यहाँ पे मैं स्टैक सेगमेंट ओपन कर लेता हूँ। डिफॉल्ट जो है स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 01000 एड्रेस पे। अब ये इनपुट लेगा यूजर से और इनपुट मैंने 3 एंटर किया तो यहाँ पे 33 आ गया, और जब ये पुश करूंगा मैं AX तो यहाँ पे वैल्यू जो है स्टैक पे पुश होगी AX की 00FE पे 0033। ये हमने यही देखा, ये वैल्यू स्टैक पे पुश हो गई। इसी तरह हम यही अप्रोच को यूज करते हुए सेकेंड नंबर में इनपुट लेते हैं यूजर से। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग जो है चेंज कर रहा हूँ, 2 आ जाएगा है। और यहाँ पे यूजर से इनपुट लेते हैं और सेकेंड नंबर जो है हम BX रजिस्टर में स्टोर कर देते हैं। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट इनपुट आ रही है आप AL में, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ BL में मैंने AL की वैल्यू डाल दी, और यहाँ पे मैं BH को 0 कर रहा हूँ और BX की वैल्यू स्टैक पे पुश कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा BX की वैल्यू जो भी यूजर एंटर करेगा, लेट्स सपोज यूजर ने एंटर किया 4, तो यहाँ पे BL में वैल्यू क्या चलेगी 34, और यहाँ पे BH को हमने क्या कर दिया 0, तो यहाँ पे क्या पुश हो जाएगा 0034। अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग 3 डिस्प्ले करवाएंगे, आफ्टर स्वैप वैल्यूज आर LEADX STR3 move AH 09H और interrupt 21। ये string 3 डिस्प्ले हो गई। अब
इस तरह है कि जो फर्स्ट में आपके पास स्टैक पे जो वैल्यू पुश हुई थी वो ए एक्स की और सेकंड वैल्यू जो है बी एक्स की, लेकिन जब हमने पॉप करवाना है तो टॉप द स्टैक जो वैल्यू पड़ी है वो बी एक्स की पड़ी है। जो बी एक्स की वैल्यू पड़ी है वो मैं चाह रहा हूँ कि वो किस में आ जाए, ए एक्स में आ जाए। तो इसकी मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे एक किस तरह काम कर रहा है। वैसे तो जब हम स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाते हैं तो ये सब रूटीन्स कॉल होती हैं, इसकी वजह से भी स्टैक में वैल्यूज पुश होती हैं। ये मैं आपको इमुलेट करके चेक करवा देता हूँ सिंगल स्टेप। यहाँ पे मेरे पास स्टैक जो है फिलहाल पॉइंट कर रहा है 0100 एड्रेस पे। ये सब रूटीन जो है कॉल होगी, ये देखिए इंटरप्ट 21 है, तो ये स्टैक में 0100 से ये कहाँ आ गया, 00FA पे आ गया। और जैसे ही आपके पास ये स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी ये वापस कहाँ चले जाएगा, 0100 एड्रेस पे, जो कि स्टैक इसने एम्प्टी कर दिया। अब आगे ये इनपुट का कोड चलेगा और ये इनपुट लेगा। मैं आपको जो यूजर से इनपुट लिया है ये वैल्यू जो है किस तरह स्टैक पे पुश हो रही है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए हमने जो इनपुट ली, लेट्स सपोज हमने यूजर ने एंटर किया 3, इसका हाई हमने 0 कर दिया और हमने पुश किया ए एक्स, तो स्टैक पे वैल्यू ए एक्स में की पुश होगी 0033। ये देखें ये स्टैक सबसे पहले क्या होगा, स्टैक पॉइंटर यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा और यहाँ पे कहाँ इस एड्रेस पे ऑफसेट एड्रेस पे आ जाएगा और यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू क्या पुश हो जाएगी 0033। फिर यहाँ पे इसी तरह ये स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी और सब रूटीन जब कॉल होगी तो स्टैक पे वैल्यूज पुश होंगे, फिर दोबारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। अब ये सेकंड इनपुट ली हमने और इस दफा जो इनपुट थी हमने अज्यूम की कि यूजर ने 4 एंटर की और ये वैल्यू हमने क्या है बी एल में और बी एच में 0 करके स्टैक पे वैल्यू बी एक्स की पुश कर दी। लेट्स सपोज जो वैल्यू थी वो 0034 थी, तो क्या होगा, सबसे पहले स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा और इस ऑफसेट एड्रेस पे आ जाएगा और यहाँ क्या वैल्यू पुश होगी 0034। अब ये वैल्यू जो है स्टैक पे पुश हो गई और उसके बाद यहाँ पे इसी तरह मैंने स्ट्रिंग 3 डिस्प्ले करवाई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज हैं ये स्वैप हो जाए। ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू पड़ी हुई है ये ए एक्स की वैल्यू पड़ी है और ये वैल्यू किसकी है, बी एक्स की पड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ कि आफ्टर स्वैप मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या है, ए एक्स में वैल्यू क्या आ जाए 34 और बी एक्स में क्या आ जाए 33। तो मैं क्या करूँगा, पॉप करूँगा और जो पॉप करके मुझे वैल्यू मिलेगी यहाँ पे क्या मिलेगी 0034। ये मैंने पॉप करके किस में स्टोर करवा देनी है, ए एक्स में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब मैं करूँगा पॉप और यहाँ पे मैं ये ए एक्स कर रहा हूँ, तो क्या होगा ए एक्स में वैल्यू क्या आ जाएगी 0034। तो अब ये किस तरह काम करेगा, अब देखें ये जो वैल्यू है 0034 पहले ये क्या होगी ए एक्स में ये वैल्यू कॉपी होगी क्योंकि हमने पॉप किया है ए एक्स, तो पॉप ए एक्स, ए एक्स में ये वैल्यू कॉपी होगी 0034 ए एक्स में आ जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यू स्टैक से रिमूव हो जाएगी और स्टैक पॉइंटर कहाँ पे आ जाएगा, दोबारा 00FE पे आ जाएगा, इस ऑफसेट एड्रेस पे दोबारा आ जाएगा। अब यहाँ जो वैल्यू पड़ी है वो 0033 है, ये वैल्यू मैं पॉप करके किसमें स्टोर करवाऊंगा, बी एक्स में। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पॉप और यहाँ मैं बी एक्स कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बी एक्स में क्या वैल्यू आ जाएगी 0033 आ जाएगी। तो ये बी एक्स में वैल्यू जब ये हमने पॉप की, देखें बी एक्स में क्या पहले कॉपी होगा 0033 और ये वैल्यू जो है आपके पास क्या होगी स्टैक में से
मूव आ जाएगी और स्टैक पॉइंटर दोबारा कहाँ आ जाएगा, 0100 एड्रेस में। तो इस तरह हमारे पास जो है स्टैक जो है पॉइंटर काम करता है। अब ये मेरे पास वैल्यूज आ गई, इनको हम चेक भी कर सकते हैं। तो इमुलेट करें यहाँ पे सिंगल स्टेप, ये वैल्यूज जो है यहाँ पे स्टैक पे पुश हो जाएंगी। और यहाँ पे हमने एंटर किया, लेट्स सपोज 3 एंटर कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास सेकंड जो है स्ट्रिंग डिस्प्ले होने के बाद सेकंड इनपुट आएगी, तो वो मैं एंटर कर रहा हूँ 4। ये वैल्यू स्टैक पे पुश हो गई। और स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाने के बाद आप देखें यहाँ पे पॉप एक्स किया, तो ये 0034 यानी कि ये वैल्यू आपके पास किसकी थी, बी एक्स की, ये एक्स में आ गई है। और ये मेरे पास बी एक्स में ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो इस तरह वैल्यूज आप स्वैप कर सकते हैं। अगर हमने ये वैल्यूज प्रिंट करवानी हो तो मूव डी एक्स ए एक्स करेंगे और यहाँ पे मूव ए एच 02H और इंटरप्ट 21H। अगर ये इंस्ट्रक्शन जो है मैं यहाँ से यहाँ लिख दूंगा तो देखें ए एक्स के जो हाई में यानी कि ए एच में यहाँ पे वैल्यू पड़ी है वो 00 पड़ी है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे ये वाली इंस्ट्रक्शन इधर लिखनी है और डी एक्स में उसको मूव करवा दें, क्योंकि ये पहले ही आपके पास क्या है करेक्टर में है, तो आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, मूव ये पॉप करने के बाद मूव डी एक्स में क्या करेंगे, बी एक्स की वैल्यू और मूव ए एच 02H और यहाँ पे इंटरप्ट 21H। इमुलेट रन करते हैं 3 4, ये देखें 4 3 प्रिंट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं और एप्लीकेशन देखते हैं स्टैक की। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने कन्वर्ट करना है एक एल्गोरिदम को। ये एल्गोरिदम हमारे पास क्या करता है, रिवर्स इनपुट करने के लिए ये एल्गोरिदम है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एल्गोरिदम इन असेंबली कोड। ये जो एल्गोरिदम है ये रिवर्स करेगा कोई भी इनपुट को। अब हमने करना ये है रिवर्स करने के लिए इनपुट को कि हमने एक वेरिएबल लेना है काउंट का, उसको इनिशियलाइज कर देना है 0 से, रीड करनी है हमने एक करेक्टर इनपुट और हमने यहाँ पे वाइल लूप लगाना है। करेक्टर को हमने चेक करना है कि वो कैरिज रिटर्न यानी कि एंटर की आस्की के इक्वल तो नहीं है, अगर वो इक्वल नहीं है तो हमने यहाँ पे क्या करना है, उस करेक्टर को स्टैक पे पुश करते जाना है। और यहाँ पे क्या करना है, काउंट करना है कि कितने करेक्टर स्टैक पे पुश हो रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे काउंटर को काउंट के वेरिएबल को आपने इंक्रीमेंट करते जाना है। और फिर दोबारा इनपुट लेनी है, यूजर दोबारा एक करेक्टर एंटर करेगा और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि यूजर एंटर की नहीं प्रेस करता। जैसे ही ये कैरिज रिटर्न के इक्वल आएगा तो ये वाइल लूप एंड हो जाएगा। एंड होने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में जाना है और आपने यहाँ पे आप फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप क्योंकि आपको आइट्रेशन अब पता है, यहाँ पे आपने जो काउंट किए थे करेक्टर्स तो आपने फॉर काउंटर टाइम्स क्या करना है, स्टैक से पॉप करना है हर करेक्टर को और उसे डिस्प्ले करवा देना है और ये फिर आपका लूप एंड हो जाएगा। तो इस तरह एल्गोरिदम से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इनपुट जो एक स्ट्रिंग यूजर एंटर कर रहा है उसको हम रिवर्स करवा सकते हैं। इसको हम कोड करते हैं इमुलेटेडली 6 में। प्रोग्राम हम यहाँ पे बना रहे हैं इनपुट रिवर्स करने के लिए, स्ट्रिंग यूजर एक एंटर करेगा और हमने स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया काउंट का, जिस तरह हमने एल्गोरिदम में डिस्कस किया। सेगमेंट रजिस्टर सेट करने के बाद मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाऊंगा str1 और उसके बाद मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा वाइल का। इस वाइल लूप में मैं यूजर से इनपुट लूंगा करेक्टर इनपुट और ये करेक्टर इनपुट आती है बाय डिफॉल्ट al में, तो मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा al को 0DH जो कि कैरिज रिटर्न है, अगर ये इसके इक्वल है तो कहाँ चले जाए, एंड वाइल पे। इस तरह हमने एल्गोरिदम में डिस्कस किया, अगर वो कैरिज रिटर्न के इक्वल आ जाता है तो लूप हमने वाइल का एंड कर देना है। अगर ये एंड वाइल यानी कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये कंडीशन फॉल्स है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, स्टैक पे
इन करेक्टर्स को पुश करना। तो AH में यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि AH में वो सब रूटीन पड़ी हुई है, लेकिन EL में हमारे पास इनपुट आ रही है, लेकिन हम पुश AL नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, एरर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मूव AH को हम यहाँ पे जीरो कर देंगे और यहाँ पे पुश क्या करेंगे AX, और यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे काउंट। देखें एल्गोरिदम में भी हमने ये डिस्कस किया था कि हमने एक इनिशियलाइज कर देना अकाउंट का वेरिएबल, रीड करनी है करेक्टर इनपुट, तो हमने ये करेक्टर इनपुट रीड की हुई है। उसके बाद यहाँ पे हमने लूप लगाना है और जब तक ये कैरिज रिटर्न के इक्वल नहीं आता, तो यहाँ पे हमने लूप लगाया, अगर ये कैरिज रिटर्न के इक्वल है आ जाता है तो ये एंड वाइल पे चले जाए, अदरवाइज क्या करे पुश करे करेक्टर स्टैक पे, इंक्रीमेंट करे और दोबारा रीड करे। हम यहाँ पे जंप वाइल, अब जैसे ये लूप ब्रेक होगा तो ये कहाँ जाएगा, एंड वाइल की लेवल पे जाएगा। इस एंड वाइल की लेवल पे हमने क्या करना है, गो टू न्यू लाइन। तो हम यहाँ पे न्यू लाइन की जो है एक स्ट्रिंग भी बना के कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई हुई है str2 आफ्टर रिवर्स स्ट्रिंग इज, तो मैं ये इसमें मैंने यहाँ पे 1310 स्टोर किया हुआ है, मैं ये डिस्प्ले करवा देता हूँ। LEA DX str2 move AH 09H और interrupt 21H। अब हमने स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा दी, अब हमारे पास ये काउंट के वेरिएबल में टोटल करेक्टर्स कितने हैं वो हमें पता है, तो हमने काउंटर टाइम्स जो है लूप लगाना है, फॉर लूप, फॉर और यहाँ पे लूप फॉर। अब हमने यहाँ पे देखें लूप जब लगाना है तो हमें यहाँ पे काउंटर रजिस्टर में वैल्यू जो है मूव करनी पड़ेगी, कितनी आइट्रेशन हमने चलानी है। तो हम यहाँ पे मूव सी एल में हम यहाँ पे करेंगे काउंट, क्योंकि काउंटर वेरिएबल आपके पास डिफाइन बाइट का, और तो हमने यहाँ पे 8 बिट रजिस्टर में मूव किया, और इसके अगर कोई हाई में वैल्यू पड़ी है तो मैं वो जीरो कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, फॉर काउंटर टाइम्स हमने पॉप करना है करेक्टर फ्रॉम स्टैक। हमारे पास इसका क्या सिंटेक्स है, पॉप, और आगे हमने क्या लिखना है, रजिस्टर का नाम लिखना है। अब क्योंकि हम करेक्टर डिस्प्ले करवाने के लिए वैल्यू किस में रखते हैं, डेटा रजिस्टर में, यहाँ पे मैं पॉप करके डीएक्स में रख रहा हूँ ताकि मुझे मूव ना करना पड़े लेटर ऑन डेटा रजिस्टर में वैल्यू। मूव AH यहाँ पे मैं करूँगा 02H और इंटरप्ट 21H। तो ये मेरे पास इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा और ये आपका लूप जो एग्जीक्यूट होता जाएगा जब तक के काउंटर रजिस्टर जीरो नहीं आ जाता। तो अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इमुलेट रन एंटर स्ट्रिंग ए बी सी, मेरे पास क्या हो गया, आफ्टर रिवर्स स्ट्रिंग इज सी बी ए। इस तरह हमने ये एल्गोरिदम को यूज करते हुए कन्वर्ट किया इनटू एन असेंबली कोड। नेक्स्ट हमारे पास कि अगर हमने 16 बिट नंबर को स्टैक के थ्रू जो है हमने प्रिंट करवाना हो, राइट ए कोड टू डिस्प्ले ए नंबर इन डेसिमल, यूज द फॉलोइंग एल्गोरिदम। अब ये जो एल्गोरिदम है ये 16 बिट नंबर, इससे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। एल्गोरिदम ये है कि अगर AX जो है में वैल्यू जो पड़ी है वो लेस जीरो से, देन हमने क्या करना है, अगर वो वैल्यू लेस है जीरो से इट मींस कि वो नेगेटिव है वैल्यू, तो हमने यहाँ पे माइनस साइन प्रिंट करवाना है, और फिर हमने जब उसको प्रिंट करवाना है जाहिर सी बात है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे बाय इट्स टूज कम्प्लीमेंट ताकि वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन हमने माइनस शुरू में प्रिंट करवा देना क्योंकि वो ओरिजिनल नंबर नेगेटिव था। अब हमने यहाँ पे अगर वो नंबर हमारे पास पॉजिटिव था तो, या अगर वो नेगेटिव था तो कन्वर्ट हो गया वो पॉजिटिव हो गया और टूज कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस हो गया। उसके बाद हमने करना ये है, फिफ्थ स्टेप ये है कि हमने गेट करना है डिजिट्स इन ईएक्स इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो यूजर ने नंबर यहाँ पे ईएक्स में स्टोर किया हुआ है वो कितने डिजिट का नंबर है, वो 2 डिजिट का है, वो 3 डिजिट का है, वो 4 डिजिट का है, कितने डिजिट का है वो हमने गेट करना है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि आपने किस तरह डिजिट्स गेट करने हैं AX रजिस्टर में।
उसके बाद हमने ये काम करना है कि कन्वर्ट करना है इन डिजिट्स को करेक्टर में और प्रिंट करवाना है। तो फिफ्थ जो हमारे पास लाइन है, यानी कि उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, गेट द डिजिट्स इन ईएक्स इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। किस तरह हम ये कर सकते हैं, लाइन फाइव का जो कोड है वो ये है कि हमने यहाँ पे काउंटर का वेरिएबल लेना है, इसको इनिशियलाइज कर देना है जीरो से। हम यहाँ पे रिपीट का लूप लगाएंगे। क्यों लगाएंगे रिपीट का लूप, ये मैं आपको बताता हूँ। हमने डिवाइड करना है क्वोशेंट को 10 से और जो रिमाइंडर आता है उसको हमने स्टैक पे पुश करते जाना है। और हमने यहाँ पे क्या करना है, काउंट करते जाना है कितने करेक्टर्स हमारे पास, कितने डिजिट्स स्टैक पे पुश हो रहे हैं। और ये हमने काम तब तक करते रहना है जब तक के क्वोशेंट जीरो नहीं आता। अब चूंकि हम कंडीशन एट द एंड चेक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रिपीट लूप यूज होगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो लाइन सिक्स है इसको हम किस तरह, यहाँ पे आपके पास इसका क्या कोड है। लाइन सिक्स ये कहती है कि कन्वर्ट करना है इन डिजिट्स को आपने करेक्टर में और प्रिंट करवाना है। इसके लिए आप ये करेंगे कि जो आपने काउंट किए होंगे डिजिट्स, उन डिजिट्स तक आपने क्या करना है, फॉर लूप लगाना है। और लूप में ये काम करना है आपने कि पॉप करना है डिजिट को स्टैक में से, कन्वर्ट करना है उसको करेक्टर में, क्योंकि वो आपके पास एक डिजिट था और जब आपने डिस्प्ले करवाना है तो वो करेक्टर में कन्वर्ट करना है, और फिर आपने यहाँ पे उसको आउटपुट करवाना है। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये आपके पास किस तरह काम करता है एल्गोरिदम, और फिर हम इसको इमिलिट्रेटरी सिक्स में ये जो एल्गोरिदम है इसको कोड करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास नंबर है 3254। इस नंबर को हमने क्या करना है, ब्रेक करना है, डिवाइड करके 10 से हम ब्रेक करेंगे और जो भी मेरे पास रिमाइंडर आएगा वो मैं स्टैक पे पुश करता रहूँ। और ये हमने रिपीट करना है तब तक जब तक क्वोशेंट जीरो नहीं आता। यहाँ पे डिवाइड होगा ये 10 से 3254, मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3254 और यहाँ पे जीरो। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, जब हम कर रहे हैं 16 बिट डिवीजन, तो डिविडेंड जो है ईएक्स लिस्ट में हम स्टोर करते हैं, डिविडेंड लो। आफ्टर डिवीजन मेरे पास जो क्वोशेंट आता है वो ईएक्स में जाता है, ऑटोमेटिकली ईएक्स लिस्ट में स्टोर होता है, और रिमाइंडर जो है यहाँ पे डीएक्स लिस्ट में स्टोर होता है। तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा आफ्टर डिवीजन वो dx में आएगा 16 बिट डिवीजन में, इसको हमने स्टैक पे पुश कर देना। यहाँ पे ये स्टैक पॉइंटर जो है आपका डिक्रीमेंट होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 जो है ये पुश हो जाएगा, यानी कि 0004 जो है आपके पास स्टैक पे वैल्यू पुश हो जाएगी। अगेन क्योंकि आपके पास क्या है, क्वोशेंट जीरो नहीं है, तो आपके पास क्या है ex में वैल्यू अपडेट हो गई है, तो आप इस दफा 3255 जो है डिवाइड होगा 10। अगर आपको नहीं पता कि div इंस्ट्रक्शन किस तरह काम करती है 886 में, तो आप मेरी वो वीडियो देख लें। अब इस दफा हमारे पास जो डिविडेंड है वो क्या है, 3255, ये ax में पड़ा हुआ शुरू में, और हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइजर है वो हमारा 10 है। तो यहाँ पे क्या होगा 32 और यहाँ पे 32 और ये क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर आएगा 5, ये अगेन मेरे पास किस में जाके स्टोर होगा, dx में। और यहाँ पे ये जो मेरे पास है ये क्वोशेंट किस में स्टोर होगा, ax में। अभी भी क्वोशेंट जो है वो 0 नहीं है, तो हम ये जो dx की वैल्यू है ये स्टैक पे पुश कर देंगे। यहाँ पे स्टैक में ये वैल्यू पुश हो जाएगी 0005, ये स्टैक में पुश हो। तो अब आपके पास क्या होगी, एक और डिवीजन होगी, तो इसमें हमारे पास अब ax में वैल्यू क्या अपडेटेड 32 है और ये डिवाइड होगा 10 पे, 10 3 30। हमारे पास यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा अगेन वो क्या है,
टू और क्वेश्चन हमारा अभी भी जीरो नहीं है, तो ये भी मेरे पास इसी तरह क्या होगा, स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा, इस ऑफसेट एड्रेस पे आएगा और यहाँ पे क्या पुश हो जाएगा, जीरो जीरो और जीरो टू हो जाएगा। अगेन जो है आपके पास डिवीजन होगी, टू जो है डिवाइड होगा टेन पे, तो टेन जीरो था क्योंकि ये आपके पास टू जो है छोटा है टेन से, यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर टू आ जाएगा। तो अब मेरे पास क्वेश्चन जीरो है, लेकिन ये जो लास्ट रिमाइंडर है ये क्या होगा, सबसे पहले स्टैक पे पुश होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मेरे पास जो लास्ट वैल्यू है वो थ्री टू फाइव फोर है, फाइव पहले फोर हमने यहाँ पे पुश कर दिया, फिर फाइव आ गया, उसके बाद थर्टी टू जो है हमने यहाँ पे किया, ये टू आ गया, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो टू नहीं आनी, यहाँ पे थ्री आनी है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर थ्री आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये थ्री जो है वो क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा और यहाँ पे वैल्यू क्या पुश हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। तो अब मेरे पास जो वैल्यू है वो देखें, क्योंकि मेरा ओरिजिनल नंबर क्या था, थ्री टू फाइव फोर, यहाँ पे स्टैक में क्या है, रिवर्स ऑर्डर में ये पुश हुई हुई है वैल्यूज, फोर पहले है, फिर फाइव है, फिर टू है, फिर थ्री। अब मैं जब स्टैक में से रिमूव करूंगा तो सबसे पहले क्या आएगा, थ्री बाहर आएगा तो थ्री प्रिंट हो जाएगा, फिर टू बाहर आएगा तो टू प्रिंट हो जाएगा, फिर फाइव, फिर फोर, इस तरह मेरे पास क्या हो जाएगा, ये नंबर प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको एल्गोरिथम एक्सप्लेन किया है, इसको मैं कोड कर रहा हूँ इम्यूलेटर 86 में, यहाँ पे मैंने काउंटर का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, डिफाइंड वर्ड का एक बेस का वेरिएबल है डिफाइंड वर्ड का, इसमें टेन स्टोर कर दिया क्योंकि हमने हर दफा टेन से डिवाइड करना है, यहाँ पे मेन में सेगमेंट रजिस्टर सेट करने के बाद ax में मैंने यहाँ वैल्यू मूव की हुई है माइनस 32,768। अब ax में डिविडेंड लो पड़ा हुआ है, तो अनसाइंड जो वैल्यू है हम यहाँ पे 0 टू 2 रेस टू पावर 16 माइनस 1 यानी कि यहाँ तक प्रिंट करवा सकते हैं, जो कि आपके पास बनती है वैल्यू 0 टू 65,535 और साइंड वैल्यू जो है आपके पास माइनस 32,768 टू प्लस 32,767 तक आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो माइनस में वैल्यू है, क्योंकि एल्गोरिथम में था क्योंकि अगर नंबर नेगेटिव है, हमने यहाँ पे कंपेयर किया जीरो के साथ, अगर ये नंबर जो है ग्रेटर है तो रिपीट पे चले जाए, और अगर ये लेस है मीन्स कि वो नंबर नेगेटिव है, जब नेगेटिव है तो हमने क्या किया, स्टैक पे वैल्यू ax की पुश की, वो इसलिए पुश की क्योंकि आगे हमने जब 02h सबरूटीन के थ्रू प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे ax के जो हाई में वैल्यू पड़ी होगी वो चेंज हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे दोबारा शुरू में स्टैक में वैल्यू पुश कर दी, ये डिस्प्ले करवाया माइनस का साइन और फिर पॉप कर दी ताकि ax में वैल्यू चेंज ना हो, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि हम स्टैक के थ्रू स्टोर और रिस्टोर कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे NEG के इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या कर दिया, इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगर ये ग्रेटर है इट मींस कि वो नंबर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे रिपीट की लेवल में आएगा। अब डिवाइड ओवरफ्लो एरर ना आए उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, डिविडेंड हाई को जीरो करना है, या हम यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं कन्वर्ट वर्ड टू डबल, ये इंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते हैं, ये साइन बिट ऑफ ए एक्स एक्सटेंड करता है डी एक्स में, या मूव डी एक्स जीरो भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डिवाइड किया बेस से, अब आफ्टर डिवीजन क्वोशेंट ए एक्स में जाता है और रिमाइंडर डी एक्स में, जो रिमाइंडर था उसको स्टैक पे पुश कर दिया। ये एल्गोरिदम जो है मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और मैंने यह समझा भी दिया ये किस तरह काम करता है, तो
ये डिवाइड करने के बाद यहाँ पे काउंट किया काउंटर को, क्योंकि हमने नंबर ऑफ डिजिट्स कितने मेरे पास स्टैक में वैल्यूज पुश हुई हैं उसके लिए काउंटर को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और ये रिपीट का लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि कोशेंट जीरो नहीं आता। उसके लिए कंडीशन लगाइए कंपेयर ax जीरो जब नॉट इक्वल रिपीट। तो हमने यहाँ पे ये कोड जो हमने डिस्कस किया था एल्गोरिदम लाइन 5 का, जिसमें हमने डिवाइड क्वेश्चन बाय 10 किया, रिमाइंडर को स्टैक पे पुश करो, काउंटर इंक्रीमेंट करो जब तक कि क्वेश्चन जीरो नहीं आता, हमने इसको कोड कर दिया असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने जो नंबर्स उनका ना कन्वर्ट करना है करेक्टर में और उनको प्रिंट करना, उसके लिए ये एल्गोरिथम आपको बताया था। अब इसको मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ असेंबली के कोड में। काउंटर में जो भी आपके पास जितना भी काउंट पड़ा है वो डिजिट्स का वो सी एक्स रजिस्टर में मूव कर दिया, और करेक्टर बाय करेक्टर डिस्प्ले करने के लिए 02H की सब रूटीन यूज कर ली, स्टैक से वैल्यू रिमूव की। जिस तरह ये एल्गोरिथम में है कि जी पॉप डिजिट फ्रॉम स्टैक, तो क्या होगा ये 3 जो है वैल्यू सबसे पहले आपके पास स्टैक में से रिमूव होगी, उसके बाद ये डीएक्स में आ जाएगी, और इसको क्योंकि ये वैल्यू जो है आपके पास डिजिट है यानी कि इंटीजर है, तो हमने 02H सब रूटीन के थ्रू डिस्प्ले करवाना है, तो इसको इंटीजर टू आस्की में कन्वर्ट किया और ये डिस्प्ले हो गई। फिर लूप अगेन किया, अगेन स्टैक में से वैल्यू जो है रिमूव करेंगे तो मेरे पास 2 जो है रिमूव होगा, और इसको कन्वर्ट करेंगे, और इस तरह ये आपके पास क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। और हम इसको इमुलेट करके अब देखें ये मेरे पास क्या प्रिंट कर रहा है, -32768। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये वैल्यू प्रिंट करे 65535, यहाँ पे देखें 65535, ये आप यहाँ पे कन्वर्टर ओपन करें, यहाँ पे आप जो है ये वैल्यू लिखें, तो ये डेसिमल में क्या होती है -1 होती है। अब यहाँ पे देखें इसके जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो साइन बिट क्या 1 है, इट मीन्स कि ये क्या है नेगेटिव है, तो जब ये आपके पास नेगेटिव है तो इसमें क्या प्रिंट होगा -1। तो आप इमुलेट करें ये क्या प्रिंट कर रहा है -1। अब ये -1 किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये देखें ये जो आपके पास जंप ग्रेटर की इंस्ट्रक्शन है ये कंडीशन क्या हो रही है इसमें ट्रू हो रही है। ये देखें इमुलेट करके आप सिंगल स्टेप एक्स में ये वैल्यू पड़ी है, और यहाँ पे मेरे पास ये फ्लैग्स हैं, कंपेयर किया यहाँ पे देखें साइन फ्लैग ऑन हो गया। अब साइन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग अगर इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो ये ट्रू हो गई, तो इसने ये देखें आगे वो रिपीट पे नहीं गया और उसने आगे ये कोड एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया नेगेटिव कर, इसलिए जो है आपके पास ये -1 जो है प्रिंट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखें कन्वर्टर में मैं एंटर करता हूँ 65534, तो ये -2 होता है, तो अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू स्टोर करते हैं तो -2 प्रिंट हो रहा है या नहीं हम चेक कर लेते हैं, ये देखें -2 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही प्रिंट करें, नेगेटिव के लिए जो है प्रोग्राम ना चलाऊँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे इमुलेट करता हूँ तो ये मेरे पास क्या है वही नंबर जो मैं चाह रहा था डिजायर्ड नंबर, यानी कि अनसाइंड नंबर जो है कोई भी 0 से लेके इस नंबर तक मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रोसीजर्स।